जितना तुम और तुम्हारे माता पिता उससे प्यार करते हो वो उसके लायक नहीं है। मुझे भैया के बारे में तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस हमसे नाराज है, वो बदल जाएंगे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। अपने भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ। Hey, क्या रे? उसे चेतावनी दे दी ना, ज्यादा शानी बन रही हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उसको मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, तुम्हारे सामने लेकर जाऊंगा। बचपन से मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो आज आ चुकी है। उस आदमी को जेल भेजवा दिया और उसकी बेटी को उनके पास ले जाकर छोड़ दूंगा, फिर मेरी माँ का सहारा कौन होगा? उसका सिर्फ ये बेटा, इसलिए आज मेरे को कोई रोक नहीं सकता। बहना, भैया, तेरे को मालूम है मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ? अरे तू इतनी उदास क्यों है आज? ओह, मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई क्या? नहीं। हर साल तू बिना भूले मुझे राखी बांधने तो आती रही, इस साल तू अपने भाई को भूल गई क्या? भैया वो भूल गई भाई को? अपने इस भाई को भूल गई तू? ओह, लगता है तेरे पास राखी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लाया हूँ। ये ले, अरे सोच क्या रही है पगली, बांध दे। मैं इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रही थी। मन भर गया मेरा, बहुत खुशी हुई। जब बहन भाई को राखी बांधती है ना, तो भाई का भी फर्ज बनता है कि उसके बदले में बहन को एक अच्छा सा तोहफा दे। लेकिन मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया। अरे ऐसे नहीं चलेगा, पहली बार राखी बांधी है, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और तुम्हें भी ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। मेरे साथ मतलब अपने भाई के साथ चलोगी ना? हाँ भैया चलूंगी। तो आओ चले। क्या हो गया पहना, इन लोगों को देखकर डर लग रहा है क्या? आपके होते हुए मैं क्यों डरूंगी भैया? आज आपकी एंगेजमेंट है और आप घर होने के बजाय यहाँ बैठे हुए भाई। तुम लोगों को एक खास दावत देने में यहाँ आया हूँ। डार्लिंग, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं पर तुम तो बस मेरे लिए ही काम करते हो यार। आई लव यू। ए लेकर आ। अबे ले आओ उसे। मेरे को लाइफ में बहुत लोग का हिसाब चुकता करना है, चल आज तुझसे ही शुरू करता हूं मैं। आ जा। ए शिवा क्या कर रहा है, भूल गया किसके अड्डे पर खड़ा है? तेरे ही अड्डे पर अकेला आकर तुझे खुले में ललकार रहा हूं मैं। आजा, अपनी पूरी फौज इकट्ठी कर ले, इतनी लाशें बिछाऊंगा कि गिनते हुए थक जाएगा। ये एक मर्द की जबान है। तेरे तेवर थोड़े बदले हुए लग रहे हैं आज। अबे सिर्फ तेवर ही नहीं, जो लड़की वहां बैठी है ना उसने तो मुझे ऊपर से नीचे तक बदल डाला है। पूरी दुनिया मेरे को पापी कचरा लोफर ठग समझती है,
कोई अपने पैरों की चप्पल भी बनाकर पहनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आज वो मेरे पैरों में गिरकर पता है मुझसे क्या बोली? मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। इन हाथों ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन आज तक ये हाथ कभी कांपे नहीं। लेकिन आज जब उसने मुझे राखी बांधी तो मेरे हाथ ही नहीं पूरा शरीर ही कांप उठा। बड़े भाई का आशीर्वाद लेते समय जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिरे, तब मेरे अंदर सदियों से भरा हुआ अहंकार उन आंसुओं से धुल गया। यार रिश्ते नातों में कितनी ताकत होती है, उस वक्त एहसास हुआ मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम लोहे के हाथ से ज्यादा वजन इस राखी में होता है। 10 साल तक मैं अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरा भरोसा टूट गया। वैसे ही बचपन से मेरी बहन मेरे लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आज तक उसे कभी भी मैंने अपनी बहन नहीं माना, लेकिन फिर भी मेरे बस एक बार बुलाने पर वो आ गए बिना एक भी सवाल पूछे, क्योंकि अपने भाई पर भरोसा है उसे। और वो भरोसा मैं जिंदगी भर नहीं तोड़ने वाला, और इसीलिए उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। और तुम सबकी धुलाई उसके सामने करके मैं खुद की कोई बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। बल्कि जब किसी बहन पर खतरे का साया मंडराता है, तब एक भाई उसकी रक्षा कैसे करता है? आज उसका एक नमूना तुझे दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ए, तुझे याद दिला दूं कि मेरे सिर पर किसका हाथ है? माय डैड जेबी द किंग मेकर। एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल, 2-4 सूट के 100 दे दूंगा। लेकिन ये फिजूल का भाई बहन का ड्रामा बंद कर और उसे मेरे हवाले कर दे। काम करता बे तू मेरे लिए। बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है, लेकिन तेरी औकात नहीं। फाइटर, एक एक का नामो निशान मिटाने आया हूँ मैं। तेरे बाप को जाकर बोल मेरे बारे में, भगवान शिव जी के नंदी बैल जैसा शांत स्वभाव बिल्कुल नहीं है आप उनका। माँ दुर्गा को जो अपनी पीठ पर बैठाता है वो शेर हूँ मैं। बाप की पूरी ताकत इस्तेमाल कर ले, पूरी फौज इस्तेमाल कर ले, चाहे सारे फोन घुमा ले, लेकिन मैं अकेला अपने ही बलबूते पे सबसे लड़ने की शक्ति रखता हूँ। तेरे अड्डे पे अकेला आया हूँ मैं, लेकिन पलक झपकते ही तुम सबकी लाशों का ढेर लगा कर निकल जाऊंगा मैं। बेटा तू तो सिर्फ ट्रेलर देख कर ही हिल गया है, अगर पूरी फिल्म दिखा दी ना तो सोच तेरे साथ क्या होगा। ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार मार के इसे और इसके घमंड को चकनाचूर कर दो। एम्बुलेंस लेकर आ।